आपसे कब मिलूंगी? शायद अब सीधे चुनर की रस्म में आपको देख पाऊंगी। क्या जितना मैं आपको याद कर रही हूँ आप भी मुझे उतना ही याद कर रहे हैं? अब तो शायद मुझे तुम्हें याद करने का भी हक नहीं, पर तुम्हें भूल पाना भी तो आसान नहीं है। अब जब तुम सामने नहीं हो तब दिल को समझाना इतना मुश्किल हो रहा है। जब तुम इस घर में आ जाओगी तब कैसे सामना करूंगा मैं तुम्हारा? देव, देव, जी छोटी माँ, रोहन कहाँ है? जी मुझे नहीं पता। ये लड़का भी ना कब बड़ा होगा, दिन भर से तोलाराम कपड़े लेकर बैठे, अब वो वापस भी जा रहे हैं और रोहन ने अपने तिलक में पहनने वाला कुर्ता भी नहीं चुना है। मुझे लगता है वो छोटी बहू के आने के बाद ही सुधरे। अच्छा ही हुआ जो मुझे अभी तक तुम्हारा नाम ही नहीं पता चला। शायद मेरी किस्मत में तुम्हें इस घर की छोटी बहू के रूप में जानना ही लिखा था। बात करने जा रही हो ना, मैं भी चलूं? आज की रातों को लेके ना जाऊंगी मैं। माँ ने चाह तो सब तोरे हिसाब से ही होवेगा। चंदा, ए चंदा, क्या है? तू ना सपने देखना छोड़ और आईना देखना शुरू कर। तेरे जैसे से कौन शादी करेगा बता? वो लड़का राजपुरोहित परिवार में पला है, तुझे क्यों घास डालेगा? देव, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं था, मैं बस यही सोच रहा था कि तैयारी में कुछ भूल तो नहीं किया। तू आज रात का खाना भूल गया है? नहीं नहीं मैं, वो बस तबीयत ठीक नहीं है। कल शाम से देख रही हूँ बहुत बुझा बुझा सा लग रहा है तू। छिपाई रहा का कछु मुझसे? नहीं नहीं मैं, ऐसी कोई बात नहीं। जब तू छोटा बच्चा रहा ना, कहीं चोट लगा के आए रहा तो कछु बताता ना था, पर तोरी दाई माँ सब समझ जाती थी। जब तू छोटा बच्चा रहा ना, कहीं चोट लगा के आए रहा तो कछु बताता ना था, तोरी दाई माँ सब समझ जाती थी। विराट बापू ने कछु कहा का? बाकी घर के सारे लोग तो इतने प्रेम से बात कर रहे हैं तो उसे। नहीं दाई, मुझे इस घर के किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं। मेरे लिए इससे बड़ा एहसान और क्या हो सकता है कि मुझे से अनाथ को इस घर ने प्यार दिया, मान दिया। जब दूध पी, ये
दिन जल्दी चले आप, बहुत जरूरी काम। सीरियस सामान क्यों है घर में? देखो कछु परेशानी है, कछु बता ही ना रहा है मुझसे। ब्रो मैं अपने ड्रीम गर्ल को लेकर परेशान तो नहीं हूं। कौन कौन का बारे में? ताइमा एक रोग है जिसका सिर्फ एक ही इलाज। कहा इलाज हो गए? शादी ताइमा शादी। मैं तो कहता कि शादी करा दो। एक काम करो, इसकी शादी ना मेरे साथ ही करवा दो। वो एक ही साथ एक ही मंडप में साथ फेरे, साथ फेरे होते ना? हाँ साथ ही हो गए तो भी लगवा दो। रोहन तुझे कुछ जरूरी काम था ना? हाँ यार चल। ओके तैमा भाई। तो ई है देव की उदासी की वजह। देव किसी से प्रेम करने लगो है, शादी करना चाहते है। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा काना, तुमसे रूठी, तुमसे लड़ाई की, लेकिन तुम तो सब कुछ मेरे लिए ही कर रहे थे। तुम्हारा इशारा कभी समझ ही नहीं पाई, ये सोच ही नहीं पाई कि मैं उनकी तरफ इस तरह से क्यों खींची चली जा रही हूं। क्योंकि तुमने उनके साथ मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता बांध दिया, इसलिए ना काना, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.
बाना, आज माँ बाबा उनके घर जा रहे हैं उनके तिलक के लिए। आशीर्वाद दो काना, सब कुछ निर्विघ्न संपन्न हो जाए। का कर रहे हो? रखो ना, देर हो जावेगी, जल्दी करो। केले तो काले पड़ गए छेनू की माँ। तो कुका लगता है तो रे दो पैसे के फलू बड़े लोग खाएंगे का? ये सब खाली शगुन के लिए होता है। शगुन में 5 फल चाहिए तो हो ही गए। चंदा छेनू उठ, तुमको क्या हुआ, क्या सोचते बैठ गए? सोच रहे हैं कि उनकी तरफ से कितना सामान आया है, हमारे पास तो कछु है ही नहीं ले जाने के लिए। तो उन लोगों को हम लोगों की हैसियत के बारे में पता है, सब कुछ जान के देख परख के रिश्ता भेजो है उन लोगों ने। अब फालतू की बात सोच के दिमाग ना खराब करो अपना, चलो जल्दी जल्दी बनो, घर से निकलते निकलते ही देर हो जाएगी। बाबा प्रसाद, माँ। रुक बिटिया, हम जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना हाँ, शाम तक लौट जाएंगे। जी बाबा। अच्छा सुन बिटिया, उन दोनों को जगा दियो, इतनी बार चिल्ला चिल्ला के जगा चुकी हूँ, कान पे जू तक ना रेंग रही है, ठीक है? ठीक है माँ। बाबा आपको कुछ देना है, मैं भी आई। ये मैंने हलवा बनाया है, आप उनके घर में सबको खिला दीजिएगा। ठीक है बेटिया, चलो अब जल्दी, देर हो जा रही। चंदा, चंदा जल्दी जाग, छेनू छेनू जागो। अच्छा उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ, मुंह तो धो लो। बीती रात कमल दल जागे, उनके ऊपर भंवरे झूले। चल चल उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ। क्या बात है बहना, इतने सालों बाद ऐसे गाना गा के उठा रही। ये पकड़, जल्दी से मुंह हाथ धोकर बाहर आ, नाश्ता तैयार है। चंदा 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 जाग ना, नाश्ता तैयार है, जल्दी आ जाओ बाहर, दोनों जल्दी से बाहर आ जाओ। बहना कितनी खुश लग रही है। अगर आज अम्मा मेरी बात करके लौटती है तो मैं इससे भी ज्यादा खुश दिखाई दूंगी। मुझे देव से ही शादी करनी है। अरे जल्दी जल्दी करो, अरे जल्दी करो, आराम से। नमस्ते मनसाराम जी। नमस्ते। लाइए सामान में उठा ले। नहीं ठीक है, गाड़ी वहां खड़ी की है। राजप्रतिन जी लड़की वाले आ गए। ठीक है, उन्हें बैठक में बिठाओ। सुनी, आप रहने दीजिए, मैं जाकर देखता हूं। कुछ बोलो तो टोकना मत मुझको,
सुना कि हम लड़की वाले हैं तो डर गए, खुद ही रिश्ता लेके आए थे वो लोग। अरे बेटा तू। जी नमस्ते। 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 कैसे हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक। तुम्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आई ये कौन आ गया अंदर तक? कौन है ये? ये रोहन के होने वाले सास ससुर हैं। लो बोलो भला। अरे इन्हें पता नहीं था ना, इसीलिए गुस्सा कर रहे थे। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना। आइए आइए ओ जी चले। आओ मनसाराम। बैठ। जी नहीं, हम यहीं ठीक। ये मेरा परिवार, ये मेरे पति गोपाल दास पुरोहित। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा तो आप हैं हमारे समधी और समधन। स्वागत करता है आपका हमारा घर आंगन। वो मेरा बेटा विराट और उसकी पत्नी मोहिनी। नमस्ते खुश। और ये मेरे ससुर जी पूर्व राजपुरोहित, इन्हें तो सभी जानते हैं। राजपुरोहित आयन जी, सबसे तो मिलवाए दिया, दूल्हे बाबू के भी दर्शन कराए देती तो बड़ा अच्छा लगता। और ये है मेरी देवरानी पद्मा। और इस घर का छोटा पोता रोहन। बारह बरसों में कभी रावल आना नहीं हुआ दामाद बाबू?